हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि विज्ञान की मदद से दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। आपको पता होगा कि दिशा वाली बिल्डिंग में कुल 18 फ्लोर थे, दिशा 14वें फ्लोर में थी। एक फ्लोर अगर 12 फीट का मान लेते हैं तो 14 फ्लोर में 167 फीट लगभग 50 मीटर दूरी होती है, जैसे इस डायग्राम में हमने दिखाया है। हॉरिजॉन्टल दूरी जहाँ वो मिली थी लगभग 20 मीटर के थी। इस डायग्राम में इस ब्लॉक को 30 डिग्री एंगल से फेंका जाता है तो इनिशियली वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का सम होता है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए टी इजिकल टू 2h डिवाइड बाई जी होता है। h यहाँ पर वो बिल्डिंग की हाइट होती है। जब इस टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो टी इजिकल टू 3.194 सेकंड आता है, मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लगा टाइम। अब इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लॉन्च करने की स्पीड कितनी होगी, इसे कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें पता है, जैसे 20 मीटर दूरी है, और टाइम भी हमें पता है जो अभी हमें कैलकुलेट किया था। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, जो कि 6.2617 मीटर पर सेकंड आएगी। अब हम ट्राइंगल प्रिंसिपल पाइथागोरस से हम डायगोनल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डायगोनल पाइथागोरस पर हमें क्या थी, सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इजिकल टू अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल दूरी को जेड से लिखते हैं, यहाँ पे जेड इजिकल टू 20 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का अंडर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू डायगोनल डिस्टेंस की 53.8 निकल के आती है। टाइम हमें पहले ही पता था जो कि 3.194 है, तो डायगोनल वेलोसिटी कितनी होगी, डायगोनल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसमें डायगोनल वेलोसिटी हो जाएगी 53.85 डिवाइड बाय 3.194 इजिकल टू 16.85 मीटर पर सेकंड की डायगोनल वेलोसिटी आएगी। अब प्रोजेक्शन प्रोफाइल के हिसाब से ऑब्जेक्ट गिरने में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इजिकल टू v cos थीटा होता है, यहाँ थीटा एंगल होता है, हम यहाँ पे 30 डिग्री एंगल मानते हैं। तो vx इजिकल टू 16.85 डायगोनल वेलोसिटी इंटू कोस थीटा की वैल्यू 0.866 से मल्टीप्लाई करके 14.59 मीटर पर सेकंड निकलता है, मतलब vx की वैल्यू 14.59 आता है हॉरिजॉन्टल की। ऐसे ही vy की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, vsy इजिकल टू v sin 30 डिग्री होता है, तो उसमें vy की वैल्यू 8.42 मीटर पर सेकंड आती है। टोटल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का सम होता है, तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, वर्टिकल वेलोसिटी की, तो उन दोनों का सम हो जाएगा। तो 14.59 प्लस 8.425 जो कि पहले कैलकुलेट हो चुकी है, तो टोटल 25.27 होता है। अब बहुत जरूरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दिशा है, तो उसको कितने फोर्स से गिराएगा, तो फोर्स को कैलकुलेट करना है, मतलब उसको कितना धक्का दिया गया दिशा को जिससे वो नीचे इतनी दूर आगे गिरी, उसे कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, और मास क्या होता है, वेट डिवाइड बाय ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी वैल्यू 9.8 होती है। तो वेलोसिटी जो टोटल वेलोसिटी है वो 25.27 आई थी जो सम था, और टाइम पहले हमने कैलकुलेट कर चुके हैं जो 3.134 आया था, उसमें मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब माना दिशा ऑब्जेक्ट का वजन 50 kg है, तो उसे फोर्स लगा F इजिकल टू 50 डिवाइड बाई 9.8 ग्रेविटी इंटू 25.27 वेलोसिटी इंटू 3.194 टाइम, तो फोर्स आएगा 411 न्यूटन, मतलब उसे 41 kg का फोर्स या धक्का दिया गया। इस कैलकुलेशन फोर्स वैल्यू 10-20% वेरी कर सकती है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने गूगल मैप से लिया है और वर्टिकल डिस्टेंस एवरेज वैल्यू ली है। आप दूसरे डायग्राम को भी देख सकते हैं, अगर कोई खिलाड़ी रन करता हुआ कूदता है बिल्डिंग से, तो वह एक जंप करता हुआ कूदता है, जैसे इसमें कूद रहा है। दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब आप इसे एनिमेशन के थ्रू से प्रैक्टिकली समझे। अगर दिशा 14 फ्लोर में एक्सीडेंटल फिसल जाती तो उस पर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लगता, और वो बिल्डिंग से सीधा वर्टिकली नीचे आती, क्योंकि अब उसमें सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी काम करती और वर्टिकल ग्रेविटी से वो नीचे की और बिल्डिंग के एकदम पास ही गिरती। मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर गिरती, और जब उसे हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं होता, ना कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती, एकदम बिल्डिंग के नज़दीक ही गिरती। अब दूसरी कंडीशन, जब दिशा को पीछे से कोई धक्का देता, मतलब उस ऑब्जेक्ट में धक्का लगता, तो उसे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया जाता, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले से थोड़ी ज़्यादा होती और वर्टिकल वेलोसिटी भी होती, तो कुछ इस तरह से घूमते हुए बिल्डिंग में से थोड़ा दूर जमीन पर गिरती, जिसे हम बी पॉइंट पर मान लेते हैं। तीसरी कंडीशन, जब उसे 10 गुना ज़्यादा फोर्स से फेंका जाता, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बढ़ जाती और थीटा एंगल भी चेंज हो जाता, और प्रोजेक्शन प्रोफाइल
भी चेंज हो जाता है और प्रोजेक्शनल प्रोफाइल में घूमते हुए वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स से काफ़ी दूर गिरती, जैसे कि इसमें गिरी सी पॉइंट पे। देखो दोस्तों, इस डायग्राम में ए पर फिसल के गिरती है, बी में हल्का धक्का है और सी में उसे फेंका जाता है। इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। दोस्तों आपको पता है दिशा कहाँ मिली? बिल्डिंग की बाउंड्री दीवार से बाहर लगभग 14 फीट दूर गड्ढे के पास गिरी हुई मिली। देखिए ये बिल्डिंग में कोई भी बालकनी नहीं है जिसपे एंगल लगे हो, ये विंडो के पास बना हुआ एक चबूतरा सा है, सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ बाहर आकर रात में कौन बैठेगा? दूसरा, इस बिल्डिंग में गड्ढे में इतना दूर गिरती है, इससे क्या प्रूफ होता है? इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, उसे फेंका गया और दिशा को लगभग 40 से 50 kg का फोर्स अप्लाई किया गया फेंकने में। दूसरा, दिशा कहीं और मारी गई और उसे लाकर बिल्डिंग के बाहर रख दिया गया और फिर एक स्टोरी गिरने की बनाई गई जिसे सुसाइड का एंगल दिया गया। इन दोनों में से आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताना और इस वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।